आज बात हो रही है अपनी सीपीसी के संदर्भ में, तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि लॉ क्या है। आ रही आवाज आ रही पीछे सबको ना? हाँ, लॉ की डेफिनेशन आप लोगों ने ज्यूरिसप्रूडेंस में बहुत पढ़ी होगी स्टूडेंट पीरियड में। हाँ, ज्यूरिसप्रूडेंस तो सभी का सब्जेक्ट रहा होगा जो, है ना। लेकिन उन डेफिनेशन से हटके एक अलग डेफिनेशन है लॉ की, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकती है, और उसको हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस इज द लॉ। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस इज द लॉ, माने ये जो डेफिनेशन है ये मेरी डेफिनेशन नहीं है और न किसी किताब की लिखी हुई डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन मैंने भी अपने स्टूडेंट पीरियड में 1968 में पढ़ी थी, जो 1978 में, 68 में लॉ प्रीवियस में जब मैं पढ़ा स्टूडेंट था तो ज्यूरिसप्रूडेंस हमारे सब्जेक्ट था, और डॉक्टर पीपी पंडित, मैंने उनको नहीं भूल सकता, मैंने जिन्होंने ये डेफिनेशन बताई है, वो प्रिंसिपल थे हमारे वहाँ कॉलेज के और ज्यूरिसप्रूडेंस वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा था कि ज्यूरिसप्रूडेंस की जाकि ज्यूरिसप्रूडेंस में जो डेफिनेशन लॉ की हैं वो डेफिनेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस। माने हम अपने अगर विवेक का दृढ़तापूर्वक अगर उस पर विचार करते हुए किसी चीज़ के बारे में हम सोचेंगे तो जो भी जवाब हमारे अंदर आत्मा से आएगा वह कानून सम्मत ही होगा, वो कानून से अलग हटके नहीं हो सकता जो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। बाकी डेफिनेशन यहाँ नहीं बताऊँगा मैं आपको, वो तो आपने पढ़ चुकी हैं और बहुत तमाम रहे हैं। अब सवाल आता है कि हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ द लॉ आर देयर। तो जनरली मैं स्टूडेंट से कभी पूछता हूँ जब मॉक इंटरव्यू में मेरे सामने आते हैं वो ब्रांचेज ऑफ लॉ, तो जनरली बोलते हैं सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ दो दे आर ऑल्सो ब्रांचेज बट दे आर नॉट द मेन ब्रांचेज ऑफ लॉ। मुख्य शाखाएं कानून की कौन सी हैं? मुख्य शाखा है सब्सटेंटिव लॉ एंड द प्रोसीजरल लॉ, मूल विधि और प्रक्रियात्मक विधि। अब मूल विधि क्या है? द लॉ विच प्रेस्क्राइब द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पर्सन, मन जहां किसी भी व्यक्ति के और अधिकार और दायित्वों के बारे में जहां विवेचना की जाती है, जहां बताया जाता है, जहां प्रावधान दिए जाते हैं जिस कानून में, उसे हम मूल विधि या सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। राइट्स लाइबिलिटी, अधिकार और दायित्व। अधिकार है हमारा, किसी दूसरे पर उसको पूरा करने का दायित्व भी होगा। तो ये अधिकार और दायित्व तो बता दिए, लेकिन उस अधिकार की पूर्ति कैसे होगी? मान लीजिए कि सामने वाला अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा और हमारे अधिकार का हनन करने जा रहा है, तो हमारे पास में कुछ उपचार भी तो होना चाहिए ना। तो कहा गया है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार अवश्य होना चाहिए। तो उपचार भी है, उपचार उस पर कानून, उपचार के लिए भी कानून बनाए गए हैं, लेकिन उस उपचार को प्राप्त कैसे किया जाएगा, उस उपचार के लिए प्रक्रिया क्या होगी? तो जिस विधि में, जिस कानून में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया हो जो उन अधिकारों को एनफोर्स करा सकती है, जो उस दायित्व को इम्पोज करने के लिए उसको कंपेल कर सकती है, उसको हम प्रक्रियात्मक विधि या प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो ये आपकी दो मेन माने शाखाएँ हो जाती हैं, एक तो सब्सटेंटिव लॉ मूल विधि और प्रोसीजरल लॉ प्रक्रियात्मक विधि। अब इस मूल विधि और प्रक्रियात्मक विधि में ही दो ब्रांचेज अलग सब ब्रांच जिनको हम कह सकते हैं, वन इज सिविल लॉ एंड अनदर इज क्रिमिनल लॉ। सिविल में भी सब्सटेंटिव लॉ होता है, क्रिमिनल में भी सब्सटेंटिव लॉ होता है, सिविल में भी प्रोसीजरल लॉ होता है, सिविल में भी क्रिमिनल में भी प्रोसीजरल लॉ होता है। अब सिविल का हम प्रोसीजरल लॉ की जैसे बात करें, सॉरी सब्सटेंटिव लॉ की बात करें, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, दीज आर दी सब्सटेंटिव लॉ विच क्रिएट्स द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पर्संस। क्रिमिनल में इंडियन पेनल कोड, सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी, और भी तो लॉ है, मैंने एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अब ये सब्सटेंटिव लॉ जो हमने दे दिया, अब इन सब्सटेंटिव लॉ के लिए प्रोसीजरल लॉ कहाँ आएगा? तो सिविल लॉ में सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अभी फिलहाल जब तक कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक आप सभी सीआरपीसी का ही नाम याद रखेंगे, वैसे तो उसका नाम बदल रहा है और संभावना ऐसी लग रही है कि शायद जल्दी ही वो नाम एनफोर्स भी हो जाएगा। तो क्रिमिनल लॉ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल लॉ बड़ी फास्टली चेंज हो जाता है। मैंने जो सीआरपीसी पढ़ी थी 1973 से पहले, कौन सी सीआरपीसी थी? 1898, मैंने वो सीआरपीसी पढ़ी थी। वो सीआरपीसी बदल गई 1973 में, लेकिन नाम नहीं बदला, गनीमत रही। लेकिन अब जो नई सीआरपीसी का नाम है, वो नाम भी बदल गया और सीआरपीसी भी बदल गई, सारे प्रोविजन इधर के उधर क्या कर दिया मेरे को नहीं मालूम। मैंने तो पढ़ने का सरदर्द पाला ही नहीं है उसको पढ़ने का, जो है आपके एमजे सर जो हैं वो आपको पढ़ा रहे होंगे, तो वो सरदर्द वो पाल रखे हैं जो है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आप लोगों की उसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी दोनों की जो कंपेरेटिव स्टडी वो खुद कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मैं देखता हूँ तो मैं खुद चकित रह जाता हूँ कि मैं इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं कर सकता जो है। खैर, तो सिविल लॉ में जो हमारा प्रोसीजर लॉ है वो है सिविल प्रोसीजर कोड। तो अब हम जो इतना है पहले भूमिका बनाने के बाद अपने मेन सब्जेक्ट पर जो आए हैं, जिसके के लिए हम आज चर्चा करेंगे, वो है सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया विधि जिसको हम कहते हैं। जो है किसी भी लॉ को जब हम पढ़ने जाते हैं, वो सब्सटेंटिव लॉ हो या प्रोसीजरल लॉ हो, सिविल का हो या क्रिमिनल का हो, आप लोगों को थोड़ा सा एक पढ़ने का एक टेक्निक बता रहा हूं। किसी भी लॉ को पढ़ने के पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर पढ़ने का कोशिश करिएगा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य क्या, ये कानून सबसे पहले कब बना, कब कब इसमें क्या क्या चेंजेज हुए, वर्तमान में इस कानून की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहलाता है। तो हम सीपीसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पहले जब बात अगर करें, तो टिल 1859 तक कोई कोडिफाइड लॉ सिविल प्रोसीजर के बारे में नहीं था। अब प्रश्न ये आता है कि जब सिविल प्रोसीजर कोड था ही नहीं, तो क्या उस समय केसेस नहीं, केसेस चलते थे, अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग प्रक्रियाएं थी, उन प्रक्रियाओं का माने देयर वाज नो यूनिफॉर्म प्रोसीजर, एक कोई समरूप वाले कोई प्रक्रिया नहीं थी न्यायालयों के लिए। तो सबसे पहली बार 1859 में कोडिफिकेशन सिविल प्रोसीजर कोड का हुआ। 1859 में जो प्रोसीजर लॉ का कोडिफिकेशन हुआ सीपीसी का, वो चलता रहा। किसी भी कानून की अच्छाई या बुराई हमको उसी से मालूम पड़ती है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब वो प्रभावशील होता है। तो 1859 में जो वो लागू हुआ, उसके प्रभाव देखे गए काफ़ी समय तक, बीच बीच में कुछ संशोधन भी उसमें होते रहे, लेकिन उसके बाद में 1872 में ये देखा गया कि नहीं, इतने संशोधन के बाद भी अभी ये कानून पूरा नहीं हो रहा है। तो 1872 में नई सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई गई, माने 1859 की पूरी रिपील करके, जैसे 1973 की सीआरपीसी रिपील होके ये बन रही है, 1898 की रिपील होके 1973 में बनी थी, उसी तरह से 1859 की सीपीसी को रिपील करके पूरा समाप्त करके 1872 में सेकंड कोडिफिकेशन हुआ। सेकंड कोडिफिकेशन 1872 में होने के बाद उसमें भी फिर बीच बीच में कुछ संशोधन होते रहे,
उसका भी क्रियान्वयन हुआ और क्रियान्वयन होने के बाद 5 साल तक वो भी जला 1877 तक 1877 1877 में ये फिर महसूस किया गया कि नहीं अभी इससे भी काम नहीं चलेगा, तो 1877 में तीसरी बार कोडिफिकेशन हुआ 1859, 1872 और 1877। ये 3 कोडिफिकेशन हुए। इन 3 कोडिफिकेशन के बाद में 1877 का जो कोडिफिकेशन है वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और अंत में जाके जो आपकी वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908 में पुरानी 1877 वाली भी उसके द्वारा पूरी रिपील की गई और 1877 के स्थान पर 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता आपकी बनाई गई और उस सिविल प्रक्रिया संहिता से माने आप देखें उसमें जो प्रियम्बल उसका कहता है सीपीसी का अमेंड कंसोलिडेट एंड अमेंड कंसोलिडेशन और अमेंडमेंट माने कंसोलिडेशन का तात्पर्य क्या है कानून पहले से जो फैला हुआ था बिखरा हुआ था चारों तरफ से उसको समेट के इकट्ठा किया गया और उसमें संशोधन किए गए और वो सब इकट्ठा करके और संशोधन करने के बाद 1908 में वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता हमारे सामने मौजूद है और अभी तक उसको बदलने का मौका नहीं आया है और शायद आएगा भी नहीं जो है क्योंकि तो देखिए सिविल लॉ में उतना देखिए क्रिमिनल लॉ समाज की परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। मैं ये नहीं कहता कि क्रिमिनल लॉ क्यों बदला, क्रिमिनल लॉ बदलता है लेकिन समाज की परिस्थिति के अनुसार बदलना जरूर भी है उसका, लेकिन सिविल लॉ के सिद्धांत फिक्स सिद्धांत हैं उनमें ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है जो है। तो 1908 की सीपीसी आज हमारे सामने है और 1 जनवरी 1909 से 1 जनवरी है ना देख लेना भाई, हाँ आर यू श्योर, हाँ मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, हाँ 1 जनवरी 1909 से ये प्रभावशील हुई और ये वर्तमान तक प्रभावशील है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत 1955 और 56 में इसमें अमेंडमेंट हुए, छोटे 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 अमेंडमेंट जहां जरूरत पड़ी जिस प्रकार की आवश्यकता हुई उस प्रकार से संशोधन होते रहे कानून में। जो मेजर अमेंडमेंट इसमें हुआ वो हुआ 1976 में सीपीसी का सबसे पहला मेजर अमेंडमेंट जो आया सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से जो संशोधन हुआ वो 1976 में आया। आप देखेंगे किताबों में नीचे नोट लगा रहता ना 1976 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 1976 के बाद में जो लेटेस्ट अभी वर्तमान में संशोधन हैं वो हुए हैं 1999 और 2002। दो एक्ट थे, एक तो था सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 और एक था सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 और इन दोनों एक्ट को 1 जुलाई 2002 से प्रभावशील किया गया। ये दोनों अमेंडमेंट जो हैं दोनों संशोधन नियम कानून सिविल प्रक्रिया संहिता में उससे लागू किए गए। अब इन संशोधनों को आवश्यकता क्यों पड़ी 1999 और 2002 के जो अंतिम संशोधन हुए हैं उन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे भारतीय न्यायालयों में जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी प्रकरणों की संख्या जो ढेर लगता जा रहा था उनको किस प्रकार से कम किया जाए, उनको किस प्रकार से माने निपटाया जाए, तो उसके लिए काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए। कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स भी रहती थी, हमारे प्रैक्टिशनर लॉयर्स जो रहते हैं कुछ ज़्यादा प्रयास ये करते हैं कि प्रकरण का निराकरण जल्दी ना हो। माने 1999 का जो पहला संशोधन अधिनियम पारित हुआ, आई वॉज इन सर्विस एट दैट टाइम, मैंने उस चीज़ को खुद देखा, खुद देखा साक्षी रहा उसका कि पूरे हिंदुस्तान में वकीलों की हड़ताल हो गई थी क्योंकि उसमें इतने टाइट प्रोविजन किए गए कि उनकी डिलेइंग टैक्टिक्स पर बहुत कंट्रोल किया गया और जब काफ़ी लंबे समय तक वो हड़ताल चलती रही कोर्ट का काम प्रभावित रहा तो सरकार ने फिर थोड़ा सा कुछ रिलीफ देते हुए 2002 में
उनको आश्वासन दिया कि कानून बना रहे हैं, ये है, हड़ताल को ख़त्म कराया, चलता रहा तो 2002 में दूसरा अमेंडमेंट एक्ट आया, लेकिन 1999 का पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। 1999 में जो संशोधन किए गए थे उनमें थोड़ा सा और कुछ चेंज करते हुए, कुछ नया जोड़ते हुए 2002 में नए संशोधन और जोड़े गए, और इन दोनों एक्ट को, दोनों संशोधन अधिनियम को 1 जुलाई 2002 से प्रभावशील किया गया। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सिविल प्रक्रिया संहिता का, कि सिविल प्रक्रिया संहिता आखिर एनफोर्स कैसे हुई, कैसे प्रभावशील हुई, जो आज हमारे सामने है। और इसमें जैसे हम देखेंगे, आपने मेजर अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, खास खास जो प्रेगनेंसी निपटाने के लिए हुए हैं, उनमें बहुत से टाइम लिमिटेशन फिक्स कर दी गई हैं। ऑर्डर 17 रूल 1 में आपने देखेंगे एडजर्नमेंट की टाइम लिमिटेशन फिक्स कर दी है, देयर विल बी नो एडजर्नमेंट मोर देन 3, मैक्सिमम 3 स्थगन ही दिए जा सकते हैं, 3 से ज़्यादा स्थगन नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, स्थगन के बारे में कभी कभी हमको कन्फ्यूजन कहाँ आ जाता है, ऑर्डर 8 रूल 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑर्डर 8 रूल 1 में ये बताया है कि जहाँ प्रतिवादी पर सम्मन की तामील होती है, तो सम्मन की तामील के निर्वाह के उपरांत, निर्वाह की तारीख से 30 दिन के भीतर वो अपना लिखित कथन पेश करेगा। पहले कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं थी, वहाँ भी मर्जी आए तब वकील साहब टाइम बढ़ाए जा रहे हैं, हाँ बोले साहब एक मौका और, एक मौका और, वो चल रहा है जो है। तो वहाँ 30 दिन की लिमिटेशन फिक्स की है कि 30 दिन का टाइम जो है आपको लिमिटेशन लिखित कथन के लिए, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए दिया गया है। और उसमें एक 2407 में जोड़ दिया गया है, अगर कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं और न्यायालय अगर उचित पाता है तो ये अवधि 90 दिन तक बढ़ाइए। 90 दिन माने वही फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द सम्मन, सम्मन की तामील सम्मन की तामील से 90 दिन तक उसको बढ़ाया जा सकता है। अब वहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए WS सम्मन की तामील हो गई प्रतिवादी पर, और उसने जवाब दावा पेश करने के लिए एक समय मान लिया और पर्याप्त सफिशिएंट कॉज है और न्यायालय में दिया भी, तो वो भी एक एडजर्नमेंट हुआ। और यहाँ 17(1) में जो दिया गया है, यहाँ पर 3 लिमिटेशन दी है। तो यहाँ पर कभी कभी हम कन्फ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि क्या वो एडजर्नमेंट जो ऑर्डर 8 के अंतर्गत है, क्या वो एडजर्नमेंट ऑर्डर 17 के अंदर में एडजस्ट होगा क्या? नो, क्योंकि ऑर्डर 17 के रूल 1 में जो एडजर्नमेंट है, ड्यूरिंग द ट्रायल जहाँ विचारण प्रारंभ हो जाता है, विचारण प्रारंभ होने के उपरांत 3 स्थगन से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और मोस्टली वो स्थगन आते हैं एविडेंस के स्टेज पर, साक्ष्य नहीं आ रही है, कभी कभी स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं तो साक्ष्य को पेश करने के लिए स्थगन लिया जाता है, एडजर्नमेंट दिया जाता है, तो वो 3 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत जो स्थगन दिया गया है वो स्थगन अलग है, और आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत जो स्थगन दिया गया है वो स्थगन अपने आप में अलग ही है। हाँ, तो यहाँ इस चीज़ को बड़ा क्लियर अपने को बना के रखना है हमको। तो इस प्रकार का ये किया, रिटर्न आर्गूमेंट पेश करने के लिए कभी कभी क्या हो जाता था, वकील साहब दूसरे न्यायालय में गए हुए हैं, वकील साहब दूसरे न्यायालय में जाना पर्याप्त कारण नहीं है स्थगन के लिए, स्पष्ट प्रोविजन कर दिया गया है। जहां एविडेंस समाप्त हो जाए, एविडेंस समाप्त होने के बाद में आर्गुमेंट की स्थिति जहां आती है, जो है आर्गुमेंट के लिए कोई टाइम निश्चित नहीं था, और आप वकील साहब ने जहां भाषण अपना शुरू किया आर्गुमेंट का, आप उनको रोक नहीं सकते थे। फिर वरना द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। जो है तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहां भी कर दिया कि आर्गुमेंट के लिए न्यायालय को यह अधिकार दे दिया। ऑर्डर 18 में आप पर देखेंगे, इसको ऑर्डर 18 में बताया गया है आर्गुमेंट के लिए, उसमें टाइम फिक्स कर दिया है कि आर्गुमेंट के लिए न्यायालय समय निर्धारित कर सकता है कि वकील साहब 1 घंटे का टाइम आपको दे रहे हैं, 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, इसमें आप अपने आर्गुमेंट को कंप्लीट करिएगा। और अगर मान लीजिए नहीं हो रहे हैं, केस के हो सकता है जटिलता ऐसी हो कि 2 ना आर्गुमेंट हो, तो वहां पर रिटर्न
आर्गूमेंट्स के लिए भी प्रोविजन ऑर्डर 18 में बनाया गया है। तो रिटर्न आर्गूमेंट का भी प्रोविजन वहाँ दे दिया है कि लिखित आर्गूमेंट पेश कर दीजिएगा, सामने वाले को कॉपी दे दीजिएगा और वो आर्गूमेंट आपका रिकॉर्ड में जो कुछ भी कहना है आप 10 पेज का आर्गूमेंट लिख करके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये जो सारे संशोधन किए गए हैं ये उसकी समय की बचत के लिए ये सारे संशोधन हुए हैं। तो आज जो हमारे सामने CPC है इन संशोधनों के उपरांत वो इस प्रकार की आई है, धारा 115 रिवीजन रिवीजन के बारे में भी उसमें भी अमेंडमेंट हुआ। पहले क्या हुआ करता था, एक सादा सा आवेदन न्यायालय में पेश हुआ, खारिज कर दिया न्यायालय ने, रिवीजन में चले गए हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट 115 के अंदर रिवीजन जो है धारा 115 में सीधा हाईकोर्ट में होता है, सिविल जज क्लास 2 वो जूनियर रिवीजन के ऑर्डर की जो रिवीजन है वो भी हाईकोर्ट में जाएगी। और हाईकोर्ट में जहाँ चला गया तो एक तरह से केस, हालांकि हाईकोर्ट ने भले ही स्थगन न दिया हो लेकिन फिर भी केस में लटक तो जाता ही था जो, तो वहाँ पर धारा 115 में जो जोड़ा गया है कि हाईकोर्ट के लिए भी एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर फ्रेम किया गया कि अगर उस रिवीजन को हाईकोर्ट उसी समय सुनेगा जबकि उस रिवीजन के निराकरण से प्रकरण का निराकरण होने जा रहा हो, अगर रिवीजन के निराकरण से प्रकरण का निराकरण नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट को अपील में सुनेंगे, रिवीजन में नहीं सुना जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि वो 1 जुलाई 2002 से जो ये संशोधन लागू हुए हैं तो 6 महीने के अंदर लाखों की तादाद में हमारे देश में रिवीजन जो है निराकृत हो गए, केवल इसलिए कि अंतिम निपटारा नहीं हो रहा इसलिए खारिज किए जाते हैं। तो ये पेंडेंसी को कम करने के लिए सारे प्रावधान CPC में जोड़े गए थे जो है, और वो प्रावधानों को हमको खासकर उन पर फोकस करना है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब सवाल ये आ जाता है, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा हो गया, अब हमारे सामने सबसे पहली स्थिति ये आती है कि CPC को हम अपने दिमाग में एक हवा के रूप में बैठा के रखते हैं जो, बताते हैं CPC बहुत टफ सब्जेक्ट है जो है, एक्चुअली कोई शक नहीं है। मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं भी, आज भले ही माने कुछ भी मेरी नोशंस हों लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मैं भी सोचता था कि अरे कहाँ माथा फोड़ी इससे करने बैठे। लेकिन CPC में एक चीज जो मैंने बाद में अनुभव की, अगर आपको उसके प्रोविजंस क्लियर हैं, उसका कंसेप्शंस क्लियर है और उसको पढ़ने का तरीका अगर आपका थोड़ा सा टेक्निकल है तो आप उसको उतना ही सरल भी पाएंगे। और एक बार जहां उसका कंसेप्शन और उसको पढ़ने का तरीका अगर आपको दिमाग में बैठ गया तो मेरे उस समय का मेरा जो स्टूडेंट लाइफ का जो मेरा नोशंस थे वो आज एंटायरली डिफरेंट है। आज मुझे CPC से ज़्यादा सरल और इजी और इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आता मेरे को जो है। अब होता क्या है कि हम पढ़ें कैसे, CPC को पढ़ें कैसे। देखिए CPC पढ़ने का तरीका, आप लोग जो है सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग परीक्षा पास करके सभी लोग जज बनेंगे और जब जज बनेंगे तो आपको डेली रूटीन में वो आएगा काम प्रोसीजरल लॉ का ही जो है। एक बात आपको और बताऊं कि जज बनना अभी आसान है, अभी आप समझ रहे हैं कि आसान नहीं है, नहीं जज जब बन जाएंगे तो समझे हाँ ठीक है जज तो, लेकिन जब आप वहाँ जाके सीट पर जब बैठेंगे और जो प्रैक्टिकल डेली की प्रॉब्लम जब सामने आएंगे तो वो आपको फिर बाद में असली परीक्षा आपकी वहाँ होगी। अभी तो परीक्षा है, असली परीक्षा होगी आपकी जज बनने के बाद में। और इसलिए अगर आप अपने आप को उस हिसाब से अभी से तैयार अगर करते हैं तो आपको उस परीक्षा में ज़्यादा बने समस्या नहीं आएगी और वो परीक्षा भी आप बड़े आसानी से पार करते रहेंगे, क्योंकि वो परीक्षा 1-2 दिन की या 1-2 महीने की नहीं है कि आपको प्री देना है और मेंस देना है, वो परीक्षा आपकी पूरी सर्विस लाइफ की है। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है अथाह समुद्र है, माने आज मेरे अपने आप को खुद स्थिति में पाता हूँ कभी कभी एट रैंडम कभी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए
तो मेरे को भी कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि हाँ इसके बारे में क्या, जितना हम पढ़ेंगे उतना नई कुछ ना कुछ चीज़ हमको मिलती है, आज भी नई चीज़ मिल जाती है, ऐसा नहीं है जो है। माने आप सोचिएगा इतने वर्ष के बाद भी पढ़ते पढ़ते माने 75 की उम्र को पास कर चुका हूँ माने मैं जो है, लेकिन आज भी माने उस सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ तो उसी वही इंटरेस्ट वही रहता है। तो उस इंटरेस्ट को क्रिएट करके रखिएगा आप जो है। तो CPC पढ़ने का तरीका, सबसे पहले आप जो है वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल, विचारण की विभिन्न अवस्थाएं। कुछ पुराने अगर स्टूडेंट या हों तो एक आध बार शायद मैंने जो काफ़ी पहले एक लेक्चर लिए हैं उसमें भी मैंने स्टार्ट हुई उसी हिसाब से बताया है। तो आपको विचारण की विभिन्न अवस्थाएं माने सिविल ट्रायल जब आपके सामने चलती है तो उसमें कौन कौन से प्रोविजंस लागू होते हैं। अब मैंने CPC को आप सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज आप पढ़ेंगे, इसकी एक स्कीम और थोड़ा सा देख लें, हाँ उसके बाद में अपन उसको शुरू करेंगे। CPC की स्कीम क्या है, किस प्रकार से बनी है, तो इसमें 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं, 158 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स। अब एक प्रश्न ये आ जाता है कि धाराओं में और आदेश में आपस में संबंध क्या है, धाराएं क्यों बनाई गई और आदेश क्यों बनाए गए। मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूं जब मॉक इंटरव्यू के लिए आते हैं, बोले साहब धारा जो है सब्सटेंटिव लॉ बताते हैं और ऑर्डर्स जो है उसकी प्रक्रिया बताते हैं। अरे मैंने कहा भैया CPC प्रक्रियात्मक विधि है, वहाँ सब्सटेंटिव लॉ वहाँ कहाँ से आ जाएगा, सब्सटेंटिव लॉ तो है ही नहीं, फिर क्या बताती हैं धारा। तो इसके बारे में धाराएं जो दी गई हैं, सेक्शन प्रोवाइड द ज्यूरिडिक्शन टू द कोर्ट, धाराओं के द्वारा न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है। धाराओं में जो प्रावधान दिए गए हैं वो न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं और उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायालय कैसे करेगा, क्या प्रक्रिया अपनाएगा, वो व्यवस्था ऑर्डर्स के अंतर्गत और रूल्स के अंतर्गत दी गई है। जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें, सेक्शन 26 बाद का संशोधित किया जाना, माने दावा दर्ज कैसे होता है, तो इसके बारे में धारा 26 जो है न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करती है कि यदि धारा 26 में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों का अगर पूर्ति होती है तो न्यायालय बाद को संशोधित करने का आदेश दे सकता है। अब आदेश तो दिया संशोधित करने का, लेकिन संशोधित होगा कैसे, इसकी प्रक्रिया जो है प्रोसीजर ऑर्डर 4 में दी गई है। आदेश 4 में उसकी प्रक्रिया बताई गई है कि जहां आदेश 6 आदेश 7 के नियमों का पालन किया है, 2 प्रतियों में पेश किया गया है, शपथ पत्र पेश किया है, ये सारे के सारे प्रावधानों का जहां कंप्लायंस है तो न्यायालय में एक रजिस्टर रखा जाता है, उसमें उसको बाद को दर्ज कर दिया जाता है। जो जहां दर्ज हो गया माने संशोधित होना, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, रजिस्टर में दर्ज हो जाना। तो धारा ने बताया आपको क्षेत्राधिकार न्यायालय का और प्रक्रिया आदेश के द्वारा बताई गई। जहां दर्ज हो गया, धारा 27 प्रतिवादी को सम्मन जारी करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को देती है, मतलब न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी को सम्मन जारी करता है। अब सम्मन जारी करने की प्रक्रिया कहाँ है, आदेश 5 में आपको दी गई है। आदेश 5 के जो नियम बताते हैं आपको उनमें सारी की सारी व्यवस्था बताई गई है कि किस प्रकार से संबंध की तामील की जाएगी। तो धाराओं में और इनमें संबंध क्या है, आपका 158 धाराएं और 51 आदेशों में जो आपस में संबंध है, धाराएं न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करती हैं और आदेश जो हैं उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रक्रिया न्यायालय को बताती है कि न्यायालय किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ठीक, तो अब हम आते हैं विभिन्न अवस्थाएं एक विचारण की। सिविल ट्रायल में कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं,
अब सिविल ट्रायल क्या है? जहां दो पक्षकार किसी विवाद में फंसे हैं और न्यायालय के सामने अपने निराकरण के लिए आते हैं, उसका निराकरण न्यायालय जिस कार्यवाही के अंतर्गत करता है वो कार्यवाही विचारण कहलाती है, दैट इज ट्रायल। अब ट्रायल के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? वाद पत्र। दावा बाद जो संस्थित होता है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। तो सबसे पहली अवस्था जो आएगी, आप लोग चाहें तो उसको मैं नोट करा दूं आपको, अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो, हाँ बोर्ड पर लिखूं या मैं आपको बोलूं तो चलेगा? हाँ हाँ, क्योंकि बोर्ड पर लिखने वाली कोई स्थिति मेरे को ऐसी नहीं है, जरूरत होगी तो बता दूंगा मैं आपको। तो इसमें आप ले लीजिएगा, सबसे पहले आता है आपका वाद पत्र का तैयार किया जाना, प्रिपरेशन ऑफ द प्लेंट। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ द प्लेंट। अब प्रिपरेशन ऑफ द प्लेंट के लिए आप ये लोग ये सोच सकते हैं कि सब पीठासीन अधिकारी को प्लेंट तैयार थोड़ी करना पड़ता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने तो प्लेंट पेश हो जाता है, वकील साहब तैयार करके लाते हैं। तो विचारण की अवस्था में हम इसको क्यों देखें? धारा 26 और आदेश 4, जैसा मैंने आपको भी बताया, धारा 26 आदेश 4 में क्या है कि जहां आदेश 6 और आदेश 7 की कंप्लायंस की गई है, आदेश 1 आदेश 2 की कंप्लायंस की गई है, वहां प्रॉपरली तैयार किया गया है प्रिंट के नहीं किया गया है, इसकी जांच न्यायालय करता है और जांच करने के उपरांत ही वो दर्ज किया जाता है रजिस्टर में। तो जब तक आपको उन प्रावधान की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसकी जांच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले वो प्रावधान भी आपकी जानकारी में होना आवश्यक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द प्रिंट के संदर्भ में ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7, ये चार प्रावधान इसमें हमको वाद पत्र को तैयार करने में लगते हैं। ऑर्डर 1 में बताया गया है वाद के पक्षकार, पार्टी टू द सूट। अब किसी भी वाद में दो वाद पक्षकार होते हैं, एक वादी होता है एक प्रतिवादी होता है। वादी कौन है? जो दावा लेकर आया। प्रतिवादी कौन है? जिसके विरुद्ध दावा आया। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष क्यों आता है? जैसा कि हमने आपको भी बताया कि सब्सटेंटिव लॉ हमको कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, और हमारे उस अधिकार का कुछ हनन अगर होता है तब हम उसकी रिमेडी, उसके उपचार के लिए हम न्यायालय के सामने जाते हैं। तो बादी हम होंगे, उपचार किससे मांगेंगे? जो हमारे अधिकार का हनन कर रहा है उसके विरुद्ध हम उपचार मांगेंगे, वो प्रतिवादी होगा। तो बाद में किसी में भी दो पक्षकार होते हैं, एक बादी होता है और एक प्रतिवादी होता है। लेकिन एक अवस्था वो भी हो सकती है जहां बादी एक से अधिक हो, प्रतिवादी एक ही हो। जैसे एक व्यक्ति ने चार लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो वो चारों लोग मिलकर उसके खिलाफ दावा पेश कर सकते हैं, चारों लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, चारों एक साथ भी कर सकते हैं। तो वहां पर बादी एक से अधिक हो जाएंगे, प्रतिवादी एक होगा। जहां चार लोगों ने मिलकर किसी एक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो वहां बादी एक है और प्रतिवादी एक से अधिक हो जाएंगे। और जहां चार लोगों ने मिलकर चार लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया एक साथ मिलकर, तो बादी भी चार होंगे, प्रतिवादी भी चार होंगे। तो माने तीन स्टेजेज हो गई, एक बादी एक प्रतिवादी पहली स्टेज, दूसरी स्टेज बादी एक से अधिक प्रतिवादी एक, तीसरी स्टेज बादी एक प्रतिवादी एक से अधिक, और चौथी स्टेज आएगी जहां बादी भी एक से अधिक है और प्रतिवादी भी एक से अधिक है। तो जब बादी एक से अधिक हो प्रतिवादी एक से अधिक हो, उसे हम कहते हैं पक्षकारों का संयोजन, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज।
और ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में ऑर्डर वन में ही आपको प्रावधान दिए गए हैं। ऑर्डर वन का रूल वन ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ के बारे में बताता है, वादियों के संयोजन, और रूल थ्री जो है वो प्रतिवादी के संयोजन के बारे में बताता है। अब क्या बताता है वो, अगर मान लीजिए कि वो तीन लोग वादी अलग अलग तीन दावे लाते तो तथ्य या विधि का एक ही प्रश्न, द कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ अराइजेज इन ऑल द सूट्स, तो वहां उस स्थिति में उन सभी वादों को, वादियों को एक ही दावे में संयोजित कर सकते हैं। भाई मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? हाँ, मैंने सामान्य भाषा में ही बोल रहा हूं, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं यूज कर रहा मैं, इसीलिए तो वादी एक साथ जोड़े जा सकते हैं उस स्थिति में। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक व्यक्ति तीन लोगों के खिलाफ अलग अलग दावा पेश कर रहा है तो उन सभी दावों में विधि और तथ्य का एक ही प्रश्न उत्पन्न हुआ है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, तो उन तीनों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकते हैं। और वही स्थिति आ जाएगी आपका जब वादी एक से दिखाएंगे और प्रतिवादी एक से दिखाएंगे। तो आदेश एक के अंतर्गत पक्षकारों के संयोजन के बारे में देखिए, सीपीसी मैंने जैसा आपको बताया बड़ा गहरा विषय है, माने ये एक घंटे या दो घंटे का काम नहीं है, इसमें बता दें मेरे को नहीं समझता कि मैं कितना आज आपको बता सकूंगा, लेकिन फिर भी प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो यहाँ स्थिति ये आएगी कि वादों के पक्षकार कौन होंगे वो हम ऑर्डर एक में बताते हैं, उसके बाद में वाद की रचना, फ्रेमिंग ऑफ सूट्स, दावा तैयार कैसे किया जाएगा, ऑर्डर टू के अंतर्गत इसकी व्यवस्था दी गई है। आदेश दो आदेश दो ये बताता है कि किसी भी वाद कारण के लिए आप क्या क्या सहायता न्यायालय से पा सकते हैं, वो सारी की सारी सहायताएं आपको उसी दावे में मांग लेना चाहिए युवा। और अगर आपने उसमें से किसी सहायता को अगर छोड़ दिया है तो ऑर्डर टू रूल टू बने फ्रेश सूट को बार करता है, नया दावा फिर उस सहायता के लिए आप प्राप्त। जैसे मान लीजिएगा आपकी प्रॉपर्टी पर आपकी खेती की जमीन है और मिस्टर एक्स ने उस पर कब्जा कर लिया और कब्जे में वो फसल ले रहा है, फायदा ले रहा है, अब आप दावा लाते हैं, अपने आप को मालिक भी बताने लगा है वो, तो आप दावा लाएंगे काय के लिए, सबसे पहला तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ, आप वो फैक्ट को बताएंगे न्यायालय के सामने कैसे हैं आप मालिक, इसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, मुझे कब्जा दिलाया जाए, रिकवरी ऑफ पोजीशन। और दावा पेश करने की अवधि में मान लीजिए उस पीरियड में जो फसल लेता रहा उसका जो फायदा ले रहा है और दावा के विचार, आप दावा पेश करते ही से तो आपको कब्जा मिलना नहीं है, ट्रायल चलेगी वर्षों तक, तो उस दौरान भी माने जो उस दावा पेश होने तक जितना उसने फायदा लिया वो तो आप अपने दावे में कैलकुलेट कर लेंगे कि साहब इतनी फसल हर साल होती थी, इतने साल से ये कब्जे में है, इतना फायदा इसने प्राप्त किया, ये फायदा मुझे दिलाया जाए। लेकिन दावा पेश करने के बाद और आपको कब्जा मिलने तक जो फायदा लेता रहा उसको आपने एक डेफिनेशन सेक्शन टू में पढ़ी होगी, मेंस प्रॉफिट, अंतर्वर्ती लाभ जिसको हम कहते हैं, बादकालीन लाभ जिसको हम कहा कहते हैं, तो उसको भी आप मांग सकते हैं। मान लीजिएगा कि आपने दावा पेश किया टाइटल डिक्लेरेशन का और दावा पेश होने के पहले तक का जो उसने फायदा लिया है वो उसकी वसूली का और पोजीशन का, लेकिन आपने मींस प्रॉफिट की कोई मांग नहीं की है, जबकि आपको मालूम है कि अभी मेरे को इमीडिएटली कब्जा नहीं मिल रहा है, अभी ये फायदा लेगा वो भी तो मैं हकदार हूँ उसका, तो आप फिर बाद में ये कहें दावा जहाँ आपको न्यायालय ने मालिक भी बना दिया कब्जा भी दिला दिया, तो आप बाद में ये दावा लेकर नहीं आ सकते कि साहब इस दावे की अवधि तीन साल रही और इस तीन साल में उसने इतना फायदा और लिया ये भी मुझे दिला है, वो मींस प्रॉफिट की मांग भी आपको उसी दावे में करना पड़ेगी।
तो ऑर्डर 2 जो है हमको बताता है वाद की रचना के बारे में कि वाद की रचना किस प्रकार से की जाएगी जो है। उसके बाद में ऑर्डर 6 आता है प्लीडिंग्स का है, अविवचन। अविवचन को कहीं परिभाषित नहीं किया है। आदेश 6 का नियम 1 जो बताता है प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेन टेक्स्ट द रिटन स्टेटमेंट। अविवचन के अंतर्गत वादपत्र और लिखित कथन आते हैं, केवल इतना लिखा है। लेकिन वादपत्र क्या है ना तो ये बताया है, ना लिखित कथन का है, ना ये भी नहीं बताया है। तो वादपत्र क्या है? वही जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वादी के अविवचन। माने वादी के वो अविवचन जिनके आधार पर वो न्यायालय के समक्ष कारण बताते हुए कि साहब मैं इस कारण से आपके सामने आया हूं, ये सहायता मुझे चाहिए, वो वादी के अविवचन है, वो प्लीडिंग ऑफ द प्लेंट, वो वादपत्र के अविवचन कहलाते हैं। और प्रतिवादी जो उसका जवाब पेश करेगा वो रिटर्न स्टेटमेंट होगा। तो प्लीडिंग्स के जो प्रोविजन हैं, अविवचनों के संदर्भ में जो प्रावधान हैं ऑर्डर 6 में, वो वादपत्र को भी लागू होंगे और लिखित कथन को भी लागू होंगे। प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों के लिए लागू होते हैं। जो अब इसके बाद में आदेश 7 जो आता है वो स्पेसिफिकली फॉर द प्लेंट के बारे में आता है कि वाद पत्र में क्या क्या विशिष्टियां होंगी। तो आदेश 7 का नियम 1, उसमें आपको एक लिस्ट दी हुई है क्या क्या तथ्य आपको उसमें, क्या क्या चीजें आपको वाद पत्र में उल्लेखित करना होगी। तो सबसे पहले तो ऊपर आएगा न्यायालय का नाम। न्यायालय का नाम कौन सा न्यायालय होगा? जो न्यायालय आपका दावा सुनने के लिए सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा ऐसा है सिविल लॉ कि एक सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक पर, और उसके साथ में बीच बीच में दूसरा टॉपिक भी इंसर्ट हो जाएगा, तो मैं चूंकि मेरी आदत ये है कि उस टॉपिक को मैं वहीं के वहीं बताता जाता हूँ, थोड़ा सा डाइवर्ट अपन जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो हार के वहाँ देखना। तो न्यायालय का नाम हम किस आधार पर लिखेंगे? जिस न्यायालय को वो दावा सुनने का क्षेत्राधिकार होगा, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के संदर्भ में जो प्रावधान है वो हमको देखना पड़ेंगे। हालांकि आगे आएगा, बाद संचित करने का स्थान है वो तीसरी स्टेज में आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर न्यायालय के सामने किसके सामने हमें जाना है, उस न्यायालय को असाइट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्षेत्राधिकार 3 प्रकार का, आर्थिक क्षेत्राधिकार, सीमा संबंधी क्षेत्राधिकार और विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार, इन तीनों में से कौन सा क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को है, उस हिसाब से हम उस न्यायालय का नाम उसमें लिखेंगे। जो है न्यायालय के नाम के बाद में आप देखेंगे उसमें वादी का नाम, उसका विवरण, प्रतिवादी का नाम, उसका विवरण वगैरह। तो वो जितने भी उसमें क्लॉजेज दिए गए हैं आदेश 7 के नियम 1 में, वो सारी की सारी ये विशिष्टियां उसमें आपको देना पड़ेंगी वाद पत्र में जो है। तो यह इस प्रकार से ये आपका वाद पत्र तैयार होता है। तो वाद पत्र को तैयार करने माने ये, मैंने आप ये समझ लीजिएगा कि इनके प्रावधानों को बहुत शॉर्ट करके मैंने बताया है, लेकिन इन प्रावधानों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा सभी को, क्योंकि जैसे पक्षकारों के संयोजन के बारे में मैंने आपको बताया, वादी का संयोजन आदेश 1 नियम 1, तो आदेश 1 का नियम 2 ये भी कहता है कि मान लीजिए पक्षकारों के संयोजन में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन प्रकरण में आ रहा है, कोई जटिलता आ रही है या विलंब की संभावना हो रही है, तो न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि अलग अलग दावे पेश करो। सिमिलरली ऑर्डर 1 रूल 3 प्रतिवादियों का संयोजन कर दिया, रूल 3A ये कहता है कि अगर मान लीजिए अलग अलग जटिलता के कारण अलग अलग दावे पेश करने के निर्देश, तो ये सारे के सारे प्रावधान आपको पढ़ना होंगे, है ना। आप ये बात के मत चलिएगा कि यहाँ एक तरीके से पूरा का पूरी CPC में आपको यहाँ उतने टाइम में पढ़ा सकूंगा, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल भाई, संभव नहीं है मैंने जो। तो ये आपका वाद पत्र तैयार हो गया। अब वाद पत्र तैयार होने के बाद में आपकी दूसरी स्टेज आप लिखेंगे
वाद प्रस्तुत करने का स्थान, वाद प्रस्तुत करने का स्थान माने वाद पत्र तो आपने तैयार कर लिया, अब आप पेश क्या करेंगे। मैंने जस्ट अभी ये साहब को बताया कि न्यायालय का नाम जो आप लिखने जा रहे हैं, तो न्यायालय का नाम कौन सा होगा, ये वाद पत्र पेश करने का स्थान जो है वही न्यायालय का नाम होगा। इसके संदर्भ में आपको सेक्शन 15 से सेक्शन 21 तक, धारा 15 से और धारा 21 तक इस बारे में आपको प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए धारा 15 क्या बताती है, द सूट मस्ट बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ज्यूरिडिक्शन, माने निम्नतम श्रेणी के कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए। माने ये किस रेफरेंस में है, ये निम्नतम श्रेणी के न्यायालय का क्या तात्पर्य है, तो ये जो रेफरेंस दिया गया है ये है पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के संदर्भ में, न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में। तो धारा 15 जो हमको बताती है वो बताती है न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में। अब आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में क्या है, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन, हमारा मध्य प्रदेश में सिविल जज जूनियर डिवीजन का पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 5 लाख, 5 लाख रुपए तक की वैल्यूएशन के दावों की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन कर सकता है। 5 लाख से अगर ऊपर का दावा है, वैल्यूएशन है, तो 1 करोड़ तक का वैल्यूएशन के दावे सिविल जज सीनियर डिवीजन, जैसे सिविल जज क्लास 2 और क्लास 1 हुआ करते थे पहले, जिनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, और 1 करोड़ से ऊपर तक का अगर वैल्यूएशन है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेश होगा, और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अपर लिमिटेशन कुछ नहीं है, कितना भी हो असीमित माने लिमिटेशन है उनके। तो किसी एक स्थान पर सिविल जज क्लास 1 का 1 कोर्ट है, सिविल जज क्लास 2 की भी 1 कोर्ट है, और एक पक्षकार एक व्यक्ति 4 लाख रुपए का वैल्यूएशन है उसके दावे का। अब वैल्यूएशन कैसे होता है, क्या होता है, ये फिर यहां पर वो आ गया, तो इसके लिए आपको सूट वैल्यूएशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा कि दावे का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है, जो क्योंकि आदेश 7 के नियम 1 में बताया गया है कि आपको वैल्यूएशन का उल्लेख भी वाद पत्र में करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन के 2 आधार होते हैं, 2 कारणों से वैल्यूएशन करना जरूरी है, 1 तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करने के लिए और दूसरा कोर्ट फीस अदा करने के लिए, उसी आधार पर आपको कोर्ट फीस भी देना पड़ेगी। अब कोर्ट फीस के संदर्भ में क्या है, कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें संपत्ति की वैल्यूएशन के आधार पर आपको कोर्ट फीस देना पड़ती है, और कुछ दावे इस प्रकार के भी होते हैं, ये सहायता के ऊपर निर्भर करेगा किस प्रकार की सहायता, किस प्रकार का दावा है, तो उसके लिए कोर्ट फीस एक्ट की सेक्शन 7, कोर्ट फीस एक्ट की सेक्शन 7 और सूट वैल्यूएशन एक्ट जो मैंने आपको बताया उसकी सेक्शन 8 धारा 8 तो वैल्यूएशन के अनुसार, अब जैसा मैंने आपको बताया, अब वापस फिर अपने वही पटरी पर आ रहे हैं, अपन पटरी से उतर जाते हैं, बीच बीच में कुछ अलग हो जाते हैं, तो यहां पर क्या है, 4 लाख रुपए का वैल्यूएशन का दावा धारा 15 के अनुसार सिविल जज क्लास 2 या सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां पेश होना चाहिए, क्योंकि लोएस्ट ग्रेड का वो ही है। लेकिन मान लीजिए अगर वो दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां पेश कर दिया तो क्या होगा, क्या न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है क्या, सिविल जज सीनियर डिवीजन को 1 करोड़ तक के दावे, 1 करोड़ से तात्पर्य वहां ये नहीं लगाना है हमको कि 5 लाख के बाद 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के दावे सिविल जज सीनियर डिवीजन सुन सकता है जो है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि दावे का वैल्यूएशन है 6 लाख रुपए और उसको सिविल जज जूनियर डिवीजन क्या पेश कर दिया, तो ये क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है न्यायालय को। तो यहां पर 2 शब्द हमारे सामने आते हैं, उनको जो ध्यान देना है आपको, 1 तो आता है लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन
और दूसरा आता है इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार का अभाव और क्षेत्राधिकार का अनियमित प्रयोग। क्षेत्राधिकार का अभाव और क्षेत्राधिकार का अनियमित प्रयोग। अब क्षेत्राधिकार का अभाव कहाँ होगा? जहाँ 6 लाख रुपए के वैल्यूएशन का दावा अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन क्या पेश कर दिया, दैट इज लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार है ही नहीं। और अगर सिविल जज क्लास 2 वाले सिविल जज जूनियर डिवीजन ने, और मेरे को आदत वही पड़ी वही है क्लास 2 क्लास 1 की, ये नए अभी नाम चेंज हो गए हैं तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। हो तो जहाँ अगर मान लीजिए उन्होंने दावा डिग्री कर दिया तो वो डिग्री नल एंड वाइट एब इनिशियो, प्रारंभ से ही वो डिग्री शून्य होगी, इट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, उसका निष्पादन कराया ही नहीं जा सकता क्योंकि क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन 4 लाख रुपए के वैल्यूएशन का दावा सिविल जज जूनियर डिवीजन का कोर्ट होते हुए भी अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ पेश कर दिया और उन्होंने उसको डिग्री कर दिया तो वहाँ उस क्षेत्राधिकार का अभाव नहीं है, क्षेत्राधिकार का अभाव नहीं है, क्योंकि उनको 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक के दावे सुनने का क्षेत्राधिकार है। तो ये क्या है? दिस इज नोन एज द इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार का अनियमित प्रयोग। अनियमित प्रयोग क्यों? क्योंकि धारा 15 के अंतर्गत जो नियम दिया गया है वो नियम क्या कहता है? धारा 15 के अंतर्गत नियम ये कहता है कि लोएस्ट ग्रेड में होना चाहिए, तो ये प्रोसीजरल डिफेक्ट जरूर है लेकिन इट इज नॉट इलीगलिटी, इलीगल नहीं है। सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा 4 लाख रुपए का दावा का निपटारा कर देना जूनियर डिवीजन का कोर्ट होते हुए भी इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन है। और इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन के लिए सेक्शन 99 CPC की हमको ये बताती है कि जहां इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन अगर कोर्ट ने किया है तो केवल इस इरेगुलरिटी के आधार पर किसी भी डिग्री को निरस्त नहीं किया जाएगा, वो डिग्री वैलिड डिग्री होगी, एनफोर्सेबल होगी, उसका एग्जीक्यूशन होगा जो है। तो यहां पर इरेगुलर एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन का प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्शन 99 में, लेकिन लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो धारा 15 हमको बताती है पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में, उसके बाद में धारा 16, 17, 18, 19 ये जो हैं ये टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताती हैं। धारा 16 ये बताती है जहाँ स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई दावा अगर है तो वो उस न्यायालय में पेश किया जाएगा जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो संपत्ति स्थित है, टेरिटोरियल जिसको सीमा संबंधी क्षेत्राधिकार। मान लीजिए कभी कभी स्थिति ऐसी आ सकती है कि एक ही संपत्ति जिसके संबंध में विवाद है दो या अधिक विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है। जैसे सपोज करिए मिस्टर एस एक्स नाम के कोई व्यक्ति थे, उनकी इंदौर में, उज्जैन में और देवास में 3 जगह उनकी संपत्ति थी। उनकी डेथ के बाद में उनके 3 लड़के ABC तीनों में संपत्ति के बंटवारे का विवाद आया, तब संपत्ति का जो बंटवारा होगा वो अकेले इंदौर की संपत्ति का नहीं होगा, अकेले उज्जैन का भी नहीं होगा, अकेले देवास का भी नहीं होगा, तीनों जगह की संपत्ति का होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिस संपत्ति के बारे में विवाद है वो 3 न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में है, तो धारा 17 ये कहती है कि तीनों में से किसी भी न्यायालय में वो दावा पेश हो सकता है। जो धारा 18 ये बताती है कि अगर अनिश्चितता है कि दो या अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में से किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संपत्ति है, मान लीजिए 2 जिलों के बीच की कोई सीमा है जिस सीमा का के विवाद चल रहा है कि ये सीमा इस जिले में है कि इस जिले में है और वहाँ पर वो संपत्ति स्थित है, तो वहाँ की स्थिति ये होगी कि न्यायालय को पहले आपको ये संतुष्ट करना पड़ेगा कि साहब सीमा अनिश्चित हो रही है, सीमा संबंधी निश्चितता नहीं है, और वो अगर आपने न्यायालय को संतुष्टि करा दी कि हाँ सीमा निश्चित नहीं है तो आप दोनों में से किसी भी न्यायालय में उस दावे को पेश कर सकते हैं। सेक्शन 18,
सेक्शन 19 मूवेबल प्रॉपर्टी और टॉर्ट वगैरह के संदर्भ में है। धारा 20 ये कहती है जहाँ बात कारण उत्पन्न हुआ हो, और धारा 21 ऑब्जेक्शन के बारे में कि ऑब्जेक्शन टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के बारे में ऑब्जेक्शन कच स्टेज तक लिया जा सकता है। इनको दो तो ये आपका आ गया वादों के प्रस्तुत करने के स्थान के बारे में। उसके बाद में आगे तीसरी स्टेज आपकी आती है वाद संस्कृत किया जाना, वाद का संस्कृत किया जाना, माने आपने वाद पत्र न्यायालय में पेश कर दिया। तीसरी स्टेज आएगी न्यायालय में बात संस्कृत करना। बात संस्कृत करने के लिए जस्ट मैंने आपको भी बताया सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4, सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4, उसमें प्रक्रिया और धारा 26 को पढ़िएगा क्या प्रक्रिया है, और आदेश 4 में उसकी प्रक्रिया दी गई है। उसके बाद में अगली स्टेज जो आएगी आपकी प्रतिवादी को सम्मन जारी करना। आप ये पहले पूरा नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में पढ़िएगा, फिर अगर कभी दोबारा मौका आएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को कि शायद हर सैटरडे को एक क्लास में आपका ले लूँगा मैं, जो तो अपन उसको सीरियल वाइज जो है उस हिसाब से चलेंगे। हाँ कोशिश करूँगा भाई, मैं जो गारंटी नहीं दे सकता, शरीर जितना मेरा साथ देगा उतना मैं बिल्कुल पूरा काम कर रहा हूँ। क्या शरीर मेरा साथ अभी दे रहा है इसलिए मैं चल रहा हूँ, शरीर साथ देना बंद कर देगा तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते क्या होगा, गॉड नोज। हाँ देखिए आप लोगों की दुआएं हैं क्या है। तो प्रतिवादी को सम्मान जारी करना धारा 27 आदेश 5, सारी स्टेजेज में आज आपको नोट करा देता हूं क्योंकि अब गला जो है गला अब काम नहीं कर रहा है जो है। नेक्स्ट स्टेज आपकी है प्रतिवादी का लिखित कथन। प्रतिवादी का स्टेज वाइज नोट करते जाइए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। हाँ प्रतिवादी का लिखित कथन, प्रति दावा एवं मुद्रा, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। अरे इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में नहीं बोल रहा मैं, हाँ फिर से बोलूँ जरा। तो पहला तो आपको हो गया, तीन तो अपन ने डिस्कस कर ही ली हैं, चौथा जो है सम्मन टू दी डिफेंडेंट, हाँ वो ऑर्डर रूल सेक्शन 27 ऑर्डर 5। उसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट और सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, मुजरा और प्रति दावा, ये आपका ऑर्डर 8 आदेश 8। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आपकी आएगी पक्षकारों की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति का परिणाम, पक्षकारों की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति का परिणाम, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर नॉन अपीयरेंस, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर नॉन अपीयरेंस, ये आपको ऑर्डर नाइन रेड विथ रूल ऑर्डर 3, रेड विथ ऑर्डर 3 आदेश 9 से पठित आदेश 3। आदेश 9 में आपको दी गई है पक्षकारों की उपस्थिति के बारे में, और आदेश 3 जो है ना, क्योंकि आदेश 9 हमको ये कहता है पक्षकार स्वयं या अपने अधिवक्ता अधिकृत व्यक्ति ऑथराइज एजेंट या प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं, तो ऑथराइज एजेंट कौन होगा, प्लीडर कौन होगा, ये आपको ऑर्डर 3 में मिलेगा। तो आदेश 9 और आदेश 3 ये तीनों आपको दोनों जो है इस रेफरेंस में आपको देखना होंगे। इसके बाद में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। इसमें आपको ऑर्डर टेन और इसी ऑर्डर 10 के साथ में हम पढ़ेंगे सेक्शन 89, न्यायालय के बाहर प्रकरणों का निराकरण, ये इसमें दिया गया है। तो ये आ गया आपका अपीयरेंस माने एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट ऑर्डर 10 और सेक्शन 89 में। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा प्रकटीकरण एवं निरीक्षण तथा स्वीकृतियां, प्रकटीकरण तथा निरीक्षण एवं स्वीकृतियां,
डिस्क्लोजर, इंस्पेक्शन एंड एडमिशंस. डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, इंस्पेक्शन एंड एडमिशन, ये आपका सेक्शन 30 एंड 32 और आदेश 11 और 12. इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है आपकी दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिरुद्ध करना और लौटाया जाना. दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिरुद्ध किया जाना और लौटाया जाना. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न. ये आपका ऑर्डर 13. ऑर्डर 13, 13, आदेश 13. इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आपकी है वाद प्रश्नों की विरचना एवं कुछ विशिष्ट आधारों पर वाद का निर्णय. वाद प्रश्नों का विरचना एवं कुछ विशिष्ट आधारों पर वाद का निर्णय. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड डिस्पोजल ऑफ द केस, डिस्पोजल ऑफ द केस ऑन सम स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ऑन सम स्पेसिफिक ग्राउंड्स. ऑर्डर 14, आदेश 14. नेक्स्ट स्टेज है आपकी डिस्पोजल ऑफ द सूट इन द फर्स्ट हियरिंग. प्रथम सुनवाई में वाद का निराकरण. डिस्पोजल ऑफ द सूट इन फर्स्ट हियरिंग, प्रथम सुनवाई में वाद का निराकरण. ऑर्डर 15. देन नेक्स्ट, समन टू द विटनेसेस, देयर अपीयरेंस. समन टू द विटनेसेस एंड देयर अपीयरेंस, साक्षीगण को समन जारी करना और उनकी उपस्थिति. इसमें आपका आएगा ऑर्डर 16 एंड 16 ए. ऑर्डर 16 एंड 16 ए माने 16 ए के अंतर्गत वो साक्षी आते हैं, जैसे कोई साक्षी जेल में बंद है किसी केस में और उसको आप विटनेस में बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया आएगी. तो ऑर्डर 16 ए में उसको अलग से प्रोविजन दिए गए हैं उसके. देन प्रोविजंस रिगार्डिंग एडजॉर्नमेंट, प्रोविजंस रिगार्डिंग एडजॉर्नमेंट, स्थगन संबंधी प्रावधान. स्थगन संबंधी प्रावधान, आदेश 17. देन नेक्स्ट आपका आएगा वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा. वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा. हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस. ऑर्डर 18. इसके बाद में आपका आएगा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में शपथ पत्र. कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में शपथ पत्र, एफिडेविट. एफिडेविट अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस. एफिडेविट अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस माने ये कहाँ आता है कि जैसे ऑर्डर 39 में टेम्परेरी इंजंक्शन की जो एप्लीकेशन आती है वहाँ पर एफिडेविट पर ही एविडेंस आती है, वहाँ ओरल एविडेंस न्यायालय के साक्ष में नहीं होती है. तो ये आदेश 19 में ये प्रावधान दिए गए. ऑर्डर 19. उसके बाद में लास्ट आपका आएगा निर्णय एवं डिग्री, जजमेंट एंड डिग्री. इसके बारे में आपका आएगा सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20. सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20. एंड लास्ट इज ब्याज और खर्चों के बारे में प्रावधान.
प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। क्योंकि जब दावा आप डिग्री करेंगे या खारिज करेंगे तो वाद के व्यय के बारे में आपको निर्णय, जजमेंट राइटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, जजमेंट राइटिंग का मैंने क्लास लिया है, एक आध दो उसका कोई स्टूडेंट हो तो उसमें हर सिविल जजमेंट में कॉस्ट ऑफ द सूट का एक इश्यूज होता है जो है, तो कॉस्ट आप कैसे निराकरण करेंगे, तो ये लास्ट है आपका ब्याज और खर्चों के बारे में प्रावधान, माने इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ द सूट, ये आपका सेक्शन 34, 35 और 35A and B, सेक्शन 34, 35, 35A and 35B और इसके साथ में ऑर्डर 20A, ऑर्डर 20A। ये मैंने आपको क्या ब्याज खर्चे के बारे में क्या ऑर्डर बोला, क्या धारा बोला ना, धारा 34, हाँ सेक्शन है वो, ऑर्डर नहीं है, सेक्शन 34 से लेकर और 35B तक है और ऑर्डर 20A है। तो ये आपकी 17 स्टेजेस हैं जो एक सिविल ट्रायल में बाद पत्र तैयार होने से लेकर और जजमेंट पारित होने तक आपको के, तो CPC को अगर आप इस क्रम में पढ़ेंगे, आप ये मान के चलिएगा आपकी इसमें 70-75% CPC के प्रोविजंस कवर हो जाते हैं और आपको वास्ता इसी से पढ़ना है ज्यादातर। तो सेक्शन वाइज आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस टॉपिक के बारे से आप पढ़ेंगे तो आपको प्रोसीजर पूरा समझ में आएगा कि कहाँ जिनायरे को जुडिक्शन है, कहाँ उसकी प्रक्रिया का आधार मिलना है। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं समाप्त करेंगे और अगले और भी जो स्टेज, अब इसकी बाकी की स्टेज जो हैं अपन क्रम वाइज इसको लेते जाएंगे। तो जो मैंने आपको ये नोट इसलिए कराया है कि अगली उस पर जब लेक्चर अपना हो तो जितना मैं आज डिस्कस कर चुका हूँ उतना तो हो गया, उसके आगे के थोड़े से प्रोविजंस को आप पढ़ के अगर आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा अपने को चर्चा करने में सहूलियत रहेगी और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। ठीक है ना।